गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो हम जो ग्रामर का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है टेंस, ठीक है। टेंस का हम प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट का हम जो पास्ट इंडेफिनिट है वो कर चुके हैं, और आज जो हमारा अगला टेंस है वो है पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, पहचान क्या है इसकी, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार से आता है तो हम तभी समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। समझ आ गई। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया था उसकी पहचान क्या थी, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, इसमें क्या है, था, रहा था, पास्ट है तो था में चलेगा ये, रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार। तो जैसे हमने पहचान की थी, इसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी, आदि। क्लियर इतना, ओके। उसके बाद जो है आती है हमारी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, क्या है, वाज और वर। प्रेजेंट में हमने लगाई थी कौन सी थी, इज एम आर, और इसकी कौन सी है, वाज वर। जैसा कि उसमें था कि पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करते हैं, जो मेन वर्ब है इसकी, मेन वर्ब में क्या करेंगे हम के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग करेंगे। तो ये है इसके सेंटेंस बनाने के कुछ हेल्पिंग वर्ब है, कोई मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो गई है। अब हम इसका कर लेते हैं कि सिंपल जब हम वाक्य बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका क्या नियम है, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हर वाक्य में लगाते हैं सिंपल में सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो वाज लगाएंगे या वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, और वर्ब कौन सी, वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ मैंने क्या बताया था कि आई एन जी साथ में ही लगा देना है। तो उसके बाद जो भी बचता है हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं दे रखा है, तो उसके बाद वो सब आएंगे, और अंत में इसको हम फुल स्टॉप से वाक्य को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा वाक्य बनाने का नियम कंप्लीट। अब रही बात के वाज कहां प्रयोग करेंगे हम और वर्ब का प्रयोग कहां करेंगे, इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो ये हम बता दें कि वाज का मतलब होता है था, वाज का मतलब क्या होता है, था, और वर का मतलब होता है थे, वाज का मतलब थी भी होता है, था या थी, ठीक है। तो क्लियर है ये। अब देख लेते हैं वाज का प्रयोग जो हमेशा वो आई और जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन हैं, एकवचन है, उनके साथ, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। जो भी हमारे प्लुरल है, वी, यू, दे, बहुवचन कुछ भी, चिल्ड्रन, ठीक है, उनके साथ हम, यानी के प्लुरल नाउन के साथ, प्लुरल नाउन के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ वाक्य हैं, पहले हम सिंपल जो सेंटेंस है हमारा उसका वाक्य बना लेते हैं। वह स्त्री है, सी, और सी के साथ क्या लगाएंगे हम, वाज, एक वचन है, सी वाज, खाना पकाना, इसकी वर्ब है कुक, सी
COCKING, full stop. C was cooking. तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस. सबसे पहला जो हमारा साधारण वाक्य था, सिंपल सेंटेंस था, उसका नियम क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब वाज वर हम बता चुके हैं किस किस के साथ लगना है. और जैसे एक वाक्य और ले लेते हैं, उसी को फिर हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे. तो सबसे पहले लेते हैं जैसे राम वाज रीडिंग बुक. राम जो है पुस्तक पढ़ रहा था. तो सबसे पहला हमने जैसे सब्जेक्ट लिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर. अब राम एक वचन है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे. आगे मेन वर्ब होता है रीड, पढ़ना, और उसके बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. ये है सिंपल सेंटेंस का नियम. जैसे बच्चे खेल रहे थे. अब बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, चिल्ड्रन वर. बहुवचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे वर का. चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे. बच्चे पार्क में खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. क्लियर है? ओके. अब हम इस सेंटेंस को लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? सिंपल सी बात है. सिर्फ जो हमने सिंपल सेंटेंस का नियम बनाया था, नियम आपको बता चुके हैं ये कि हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो ये नेगेटिव का नियम बन जाएगा. कैसे? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट. वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इस वक्त इस सेंटेंस के नियम में और इस सेंटेंस के नियम सिंपल और नेगेटिव में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और यह भी सिंपल सेंटेंस के अंदर ही आता है. ठीक है? तो क्या नियम हो जाएगा इसका? नियम के अकॉर्डिंग राम वाज नॉट रीडिंग बुक. राम वाज नॉट रीडिंग बुक. सिंपल नेगेटिव. क्लियर है? ओके. अब हम देख लेते हैं हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. जिन वाक्यों के अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो इसके अंदर क्या करना है? जैसे हमने सिंपल सेंटेंस का ही इसी को ले लेते हैं. सिंपल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे वाक्य निर्धारित होते हैं. वह राम पुस्तक पढ़ रहा था. सिंपल हमें लगाना है क्या? क्या राम पुस्तक पढ़ रहा था? तो इसमें क्या शब्द यूज किया है हमने? क्या. और क्या जब हमने शुरू में यूज किया है तो हम सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आओ, आपका वाक्य बन जाएगा. और अंत में फुल स्टॉप की जगह लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. अब यहां देखेंगे सिंपल में और इसमें क्या अंतर है कि सिंपल वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हम सब्जेक्ट के से पहले ले लेंगे और फुल स्टॉप की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है. अब जो राम वाज रीडिंग बुक, इसी का हम बना रहे हैं. क्या राम पुस्तक पढ़ रहा था? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाज राम रीडिंग बुक. वाज राम रीडिंग बुक. और अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह. ठीक है? क्लियर है? अब ले लेते हैं हम जो अंतिम हमारा नियम है के इंटरोगेटिव और नेगेटिव. इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यहां से पता चल रहा है कि यह वाक्य इंटरोगेटिव भी है और प्रश्नवाचक यानी कि नेगेटिव भी है, नहीं वाले वाक्य भी है. तो क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था?
क्या बनाएंगे हम इसका? इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं हम, नेगेटिव का नियम देखते हैं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य के अंदर हमने क्या कर देना है कि इसका जो सब हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ले लेंगे। समझ आई कि जो नेगेटिव नियम हमने बनाया था जैसे राम वाज नॉट रीडिंग, उसमें क्या पूछा है सिर्फ, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? तो शुरू में जो ये राम के बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी वो वाक्य के शुरू में ले लेंगे। यानी कि नियम क्या बनेगा इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग हो रहा है, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो रहा है। क्लियर है? तो इसका जो सेंटेंस है क्या बनेगा, वाज राम नॉट रीडिंग बुक, और पास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस यहां पर खत्म होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित अगर कोई भी आपको नियम एग्जाम्पल में कुछ दिक्कत आई या कुछ नियम में कोई भी बात समझ में ना आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपका इतना प्यार मिल रहा है, हमारे जो पिछले वीडियो हमने बनाए थे उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें ताकि हर बच्चे को घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो हमारे टीम मंथन ने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है वो है पूरे भारतवर्ष में फैले और हर बच्चे को घर बैठे ही एजुकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।